एवरीवन, आई एम सोनिया सोनी। आज हमारे सामने न्यू ब्राइडल है जिसका नाम है सोनाली। तो आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे और आज उनकी मैरिज भी है, तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे कि उनको कैसा लगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी सोनाली आपसे, हमारी ब्राइडल है, पहले आप सोनाली से मिलिए। हाय, मैं हूँ सोनाली और मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा, हाँ। सोनाली, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पहली बार मुलाकात आपकी कहाँ हुई विशाल से? पहली बार विशाल से मुलाकात मेरी पुणे में हुई थी। हमारा एक ग्रुप है सारे फ्रेंड्स लोगों का, तो वैसे ही वो मेरा सबके साथ मेरा वो दोस्त बना कि फिर दोस्त बनते बनते मतलब हमारे जो ये है विचार है थॉट्स है वो मैच हो गए कि मतलब जो उसका जो नेचर है वो बहुत शांत है, तो हमारी बातें होने लगी फिर हम दोनों की कि तो फिर वही मुलाकात थी पहली हमारी जो सारे ग्रुप में हुई थी। हमारी मुलाकात पहली बार दोस्त की पार्टी में हुई थी, तो हम सब एक ग्रुप है हमारा 10-15 लोगों का, तो वहाँ पे थे हम लोग, वहाँ पे फर्स्ट टाइम मिले, एक दूसरे को देखा और वही फिर खाना वाना खाया था साथ में, तब वहाँ से थोड़ा सा जान पहचान स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा बातें आगे बढ़ी, नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए, सो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बातचीत करना स्टार्ट किया। जैसा आपने सोचा था कि आपका जीवन साथी, हम सोचते हैं ओबीसी लड़कियां, हाँ। कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हाँ। टॉल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, तो बहुत सारी वैरायटी हम सोचते हैं कि एज अ हस्बैंड में होनी चाहिए। तो आपने क्या सोचा था कि विशाल जो आपने चूज़ किया है, हाँ। क्या उसमें वैसी क्वालिटी है जैसे आप चाहते थे? हाँ, तो हर एक लड़की की एक ख्वाहिश रहती है कि मतलब उसका जो जीवन साथी हो वो उसको अंडरस्टैंड करे, समझ सके। दिखने में तो सबको ही लगता है कि मतलब अच्छा हो, कि वो मतलब हैंडसम होना चाहिए, हैंडसम तो वो है ही और फिर उसका नेचर बहुत उसका अच्छा है, शांत है, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है। और फिर मैं जब उससे धीरे धीरे बात करने लगी तब मेरे को मतलब ये फील हुआ कि मतलब जो लड़का अपनी मम्मी और बहन का इतना ख्याल रख सकता है तो वो अपनी बीवी का तो ऑब्वियसली ही ख्याल रखेगा। तो फिर तभी मैंने मतलब जब हम दोनों की बातें होने लगी इस विचार पे, तो फिर मैंने ये सोच लिया कि मतलब यही मेरे जो एक पॉइंट रहता है कि आपको वो मतलब क्लिक होती है बात कि भाई ठीक है, अभी इसमें ये क्वालिटी है और ये बंदा मेरे को मतलब पूरे लाइफ टाइम साथ देगा। तो फिर वही बात थी कि मतलब मैं देखती थी उसको कि द वे ऑफ हिज टॉकिंग विथ हिज मॉम, मतलब सिस्टर की कैसी केयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना है। तो मेरा भी यही मतलब ये था कि जो लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो वो जो मतलब मैं सोचती थी वो क्वालिटी सारी की सारी क्वालिटी हाँ विशाल में है। तो फिर मैंने उसी टाइम मतलब डिसाइड किया कि फिर यही बंदा है और फिर यही मेरे को चाहिए लाइफ टाइम के लिए। यस यस, ही इज द वन ओनली कि जो मुझे लाइफ टाइम खुश रखेगा। उसको भी मेरा नेचर मतलब जो है फ्रेंड्स लोगों में सबको नेचर उसको भी मेरा पसंद आया। एक्चुअली जैसा सोचा था वैसा ही मिला है और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उससे वैसा ही लाइफ पार्टनर मिला है हमको। तो सबसे पहले दोस्त ही थी, फिर धीरे धीरे आपने तो सोचा चार मतलब हम 4-5 साल से दोस्त है, तो दोस्ती तो हमारी 4-5 साल से है, तो फिर हम मतलब एक फ्रेंडशिप वाला पहले बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा फ्रेंडशिप वाला, मतलब जैसे मस्ती घूमना ये वो, मतलब पहले हस्बैंड वाइफ से पहले हम दोस्त बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया कि अब मुझे शादी करने के लिए यही वर हाँ। बहुत बढ़िया है। और मेरा एक पहले से ही था कि मैं अगर शादी करूँगी तो किसी मतलब जिसको मैं जानती हूँ पहले से उसी से करूँगी, या तो मेरा वो दोस्त हो उसका और मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो। तो विशाल से मतलब दिखता था सबको भी कि उसका और मेरा बॉन्डिंग एक फ्रेंडशिप वाला बहुत ही अलग था सबसे। यानी पहले ये नहीं सोचा था कि दोस्ती से ऊपर भी कुछ होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे एक दूसरे को जाना पहचाना, जैसे जैसे बॉन्ड बना तो उसके हिसाब से फिर हम लोग एक दूसरे बातचीत स्टार्ट किया और एक टाइम आने पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोगों को एक लाइफ पार्टनर के लिए हम लोग आगे सोच सकते हैं, और आज उसी का एक रिजल्ट निकला है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि विशाल की फेवरेट चीज़ है जो उसको बहुत पसंद है, फेवरेट स्पोर्ट्स हो गया और फूड हो गया, और उसके कलर कौन सा पसंद है? फेवरेट उसका स्पोर्ट तो क्रिकेट है, फेवरेट कलर उसका ब्लैक एज पर माई नॉलेज, यस एज पर माई नॉलेज। और फेवरेट फूड तो उसका पराठा है, आलू के पराठे उसको बहुत अच्छे लगते हैं, पनीर की सब्जी उसको बहुत अच्छी लगती है।
तो अच्छा, अब आप उनकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं, अब कमिंग सून आपकी शादी होने वाली है, तो आप क्या सोच के जा रही हैं कि मुझे वहाँ पे किस विचारों के साथ जाना चाह रही हैं, और क्या थॉट्स है आपके कि फैमिली को किस तरीके से हम बांध के रखें, या मतलब क्या आपका थॉट है कि मैं क्या कर सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए? देखिए मतलब ये तो डिफरेंट कल्चर है, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ही इज़ फ्रॉम हरियाणा, तो कल्चर तो पूरा डिफरेंट है, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए भी मुझे बहुत ये है, लेकिन एक ये होता है कि आपका जीवन साथी आपके साथ हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, तो आगे की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, तो मेरे लिए वो जो चीज़ें हैं वो बहुत मतलब आसान है, और वो मैं मैनेज कर लूँगी कि जो भी है कल्चर उनका एक्सेप्ट करना है मुझे, जो भी है वो मैं पूरा एक्सेप्ट कर लूँगी, अभी वो साथ में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तो ये है सोनाली, हमारी न्यू ब्राइडल, जिन्होंने आज आपको इंटरव्यू दिया है, तो हम भी इनको बेस्ट विशेस देते हैं, थैंक यू सो, गॉड ब्लेस यू, और हमेशा साथ रहिए और खुश रहिए, और जो भी आप भगवान को चाहते हो फ्यूचर जो आपने सोचा है वो भी भगवान आपको बहुत जल्दी से फुलफिल करें। थैंक यू सो मच।